हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम अच्छे हैं। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, अप्रॉक्स 6 o'clock हो रहे हैं और सुबह आज मैं 4:30 बजे उठ गई हूँ और तब से मैं अपनी सारी तैयारियाँ मैंने करी, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि सुबह बहुत हड़बड़ी थी। और अभी हम लोग तैयार हो गए हैं, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो गाड़ी में भी सारा सामान रखा जा रहा है। तो देख सकते हो सब लोग तैयार हैं, अक्षत है, आद्या है और ये है, तो ये सारा गाड़ी में सामान रखे। और मॉर्निंग से ही ना आद्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश है। और यहाँ पर मम्मी ना अक्षत आद्या को बहुत प्यारी कर रही हैं और रो भी बहुत रही हैं। तो बस हम लोग यहाँ से फाइनली निकल रहे हैं और अभी हम आ गए हैं पेट्रोल टंकी में क्योंकि गाड़ी में हमें पेट्रोल भरवाना है। अभी आ गए हैं ब्रिज के ऊपर, जहाँ जो गंगा जी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है उसी के पर हम लोग पहुँच गए हैं। और अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है, भगवान सूर्य अभी निकले भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी लालिमा जो है वो आसमान में दिख रही है, तो सूर्य देवता बस थोड़ी देर में प्रकट होने वाले हैं। तो चलो अभी हम लोग गाड़ी पे बैठे हुए हैं और मैं आगे बैठी हुई हूँ और अक्षत भी ना आगे बैठने की ज़िद करते हैं, तो ये भी बैठे हुए हैं। ये दोनों ना सुबह लेट सो करके उठते हैं, लेकिन आज ना बड़े आराम से उठ गए हैं और दोनों को लग रहा है कि हम घूमने जा रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे यहाँ। तो इन लोगों को घूमने के नाम पर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है और एकदम गायब हो गई है, कितने आराम से चल रहे हैं और बाहर का जो व्यू है उसको इंजॉय कर रहे हैं। और मॉर्निंग का सफ़र ना बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल ही रश नहीं होता है, ट्रैफिक नहीं होता है, फिर बाढ़ कुछ भी नहीं होता है, गाड़ी आराम से चलती है। और जहाँ आपको 1 घंटे लेट पहुँचना होता है वहाँ आप 1 घंटे जल्दी पहुँच जाते हो। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा धुंध कोहरा टाइप लग रहा है और अभी ठंड नहीं शुरू हुई है, लेकिन मॉर्निंग में देखो हल्का हल्का सा धुंध होना शुरू हो गया है, फॉग आना शुरू हो गया है। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और बस हमें 2.5 घंटे लगे हैं पहुंचने में। और बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, तो जी हाँ, मैं बनारस पहुंच गई हूँ और ये व्यू बनारस का ही है जो मैंने शूट किया हुआ है। और हमें वैसे तो 3-3.5 घंटे पहुँचने में लगते हैं, लेकिन मॉर्निंग में ये सफ़र 2.25 घंटे का ही रहा और 2.25 घंटे में हम बनारस पहुंच गए हैं। और अभी हम आ गए हैं अपने अपार्टमेंट में, यहाँ पर ये नीचे गाड़ी पार्किंग में लगवा रहे हैं और गार्ड भैया हैं वो हेल्प कर देते हैं गाड़ी पार्किंग करवाने में। और मैं रास्ते में बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं कई सारी चीज़ें भूल गई हूँ और मैं बोल रही थी ना मैं कितनी भी पैकिंग कर लूँ पर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर मिस कर देती हूँ, और मैंने सबसे ज़रूरी सामान मिस कर दिया है। जी हाँ, मैंने अपना ट्राईपॉड मिस कर दिया है, ट्राईपॉड मेरा वहीं छूट गया है। और अभी मैंने रास्ते में ही बैठे बैठे ट्राईपॉड ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन अभी उसको आने में 3-4 दिन लग जाएंगे और मुझे अभी बिना ट्राईपॉड के ही काम चलाना पड़ेगा। ऊपर हम आ गए हैं और घर कितना भी साफ़ करके जाओ गंदा आने के बाद तो गंदा ही मिलता है। हालांकि ये थे दो तीन बारी ये तब से आए हैं और बीच बीच में रहे भी हैं, लेकिन फिर भी डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो अभी मैं आते ही ना क्लीनिंग के काम में लग गई हूँ, कपड़े भी मैंने अभी नहीं चेंज करे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पहले थोड़ा सा घर रहने लायक हो जाए फिर उसके बाद आराम से कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, नहाना भी है मुझे। तो देख सकते हो आप यहाँ पर इन्होंने कुछ अपने पेपर्स वगैरह फैला करके रखे हुए थे, तो जो मैं अच्छे से सेट करके अलमीरा में रख रही हूँ वरना आद्या है ना फाड़ देगी, तो इम्पॉर्टेंट पेपर्स रहते हैं तो फिर दिक्कत होती है। और यहाँ पर बेड की जो बेड सीट है वो जो पड़ी हुई थी वो मैंने हटा दी है, दूसरी यहाँ पर मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि वो वाली गंदी गंदी सी लग रही थी, तो मैंने कहा नई जो है बेड सीट अलमारी में मैंने जो है धुल करके रखी हुई थी तो उसको मैं यहाँ पर सेट कर दे रही हूँ, बिछा दे रही हूँ। और अभी ये गए हैं कुछ सामान लाने जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो
आने के बाद ना एक एक चीज़ याद करके मंगाना पड़ता है। तो अभी ये कुछ सब्जियां लेकर के आए हुए हैं, तो देख सकते हो उसमें टमाटर है, खीरा है, हरी मिर्च है, आलू वहीं से मम्मी ने रख दिया था गाड़ी में, और देख सकते हो ये नमकीन भुजिया है, और ये जो है साबूदाना है, और ये मूंगफली है, और ये जो है सिंघाड़े का आटा है, और इसमें है और क्या है, ये व्रत वाला भी सामान लेकर के आ गए हैं। कल हम लोगों का फास्ट रहेगा तो इस वजह से ये व्रत का सारा सामान भी ले आए हैं, और इसमें है चीनी और मखाना भी ले आए हैं, सब कुछ ले आए हैं। हालांकि मैंने इनको कोई लिस्ट बनाकर नहीं दी थी, ये सारी चीज़ें अब इन्होंने अपने मन से ली हैं। ये सूजी है, अक्षत को अप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है तो बना दूंगी एक दिन, और इसमें है राजमा, और इसमें डिटर्जेंट पाउडर है, कॉफ़ी है, बस इतनी सारी चीज़ें ये लेकर के आए हैं। तो चलो अभी इनको हम इनकी जगह पर रख देते हैं, और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ, तैयार हो रही हूँ, क्योंकि ये तो चले गए हैं ऑफिस, और उसके बाद मैं रेडी हो रही हूँ, बच्चे अभी सो रहे हैं तो उनको भी तैयार करूँगी, उसके बाद हमें थोड़ा सा मार्केट जाना है। पूजा का कुछ सामान लेना है, और कई सारी चीज़ें जो ये भूल गए हैं वो भी किचन के लिए लेनी है, तो इसलिए मुझे खुद जाना पड़ रहा है। वैसे इन्होंने कहा था कि मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं ला दूंगा, लेकिन सो फ्रेंड्स अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, और जब से मैं आई हूँ तब से मुझे अब जा करके टाइम मिला है कि मैं ऑन कैमरा आप लोगों के साथ रूबरू हो सकूं, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में आई तो क्लीनिंग वगैरह के काम में लग गई, क्योंकि देखा तो कितना भी हस्बैंड लोग रहते हैं घर में, लेकिन वैसे तो ये थे 15 डेज से ये यहीं थे, बीच में ये प्रयागराज गए थे, लेकिन यहाँ आना जाना इनका लगा रहता है, तो ये थे रूम में, लेकिन इतना अच्छे से क्लीन नहीं था, हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। तो मैं आते ही क्लीनिंग के काम में लग गई, मुझे ऑन कैमरा आप लोगों से बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और अब जा करके 3:30 बज रहे हैं, और मुझे अब थोड़ा सा टाइम मिला है। आद्या सो रही है, वीडियो मैंने पब्लिश कर दी है, और अक्षत का टीवी लग गया है तो टीवी देख रहे हैं, रिचार्ज नहीं था टीवी तो उन्होंने बहुत ज़िद पकड़ रखी थी तो रिचार्ज करवाया है, तो अभी वो बैठ करके कार्टून देख रहा है टीवी में, और दूध वाले भैया दूध दे गए हैं तो मैं वो भी बॉयल करके रख के आ रही हूँ, और यहाँ दूध का टाइमिंग बहुत लेट है, 2 से 2:30 के बीच में आता है, तो बस अब जाके थोड़ा सा फ्री हूँ और तैयार हूँ, और अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे जाना है मार्केट, एक्चुअली कुछ सामान लाना है घर का, जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है जो सामान नहीं है घर में वो लाना है, फिर उसके बाद कल से नवरात्रि शुरू हो रही हैं तो उसके लिए पूजा का भी सामान सब कुछ लेना है मुझे, तो नवरात्रों में जो पूजा का सामान लगना है वो सब कुछ लेना है, तो मुझे तो अक्षत और आद्या दोनों को साथ में ही लेकर के जाना पड़ेगा शॉपिंग में। अगर मैं इनका वेट करूंगी तो इनको लेट हो सकता है, मे बी 7, 7:30 तक आए, 8 बजे तक आए, पता नहीं कितनी देर हो जाएगी इनको, तो इनका इंतज़ार नहीं करूंगी, मैं खुद ही जाऊंगी और ये सारी चीज़ें लेकर के आऊंगी। तो कल के वीडियो में मैंने बोला हुआ था ना कि गेस करिए मैं कहाँ जा रही हूँ, तो कुछ लोगों ने शायद गेस कर लिया होगा और कुछ लोग शायद नहीं कर पाए होंगे, तो मैं बनारस ही आई हुई हूँ। तो चलो अभी टाइम हो रहा है शाम का, तो चलते हैं मार्केट की तरफ और सामान वगैरह लेकर के आ जाते हैं, आद्या को भी उठा लेते हैं, अक्षत को भी रेडी कर लेते हैं, तो क्योंकि आजकल शाम ना बहुत जल्दी हो जाती है, 4-5 बजे एकदम से लगता है बिल्कुल शाम हो गई है, अंधेरा अंधेरा सा होने लगता है, तो ठंड की भी शुरुआत हो गई, और ये शारदीय जो नवरात्र होती है यहाँ से ठंड की शुरुआत हो जाती है, सर्दियों की जो नवरात्रे होती हैं वहाँ से ऐसा लगता है ठंड शुरू हो गई, और जो गर्मियों की नवरात्रे होती हैं वहाँ से ऐसा लगता है कि गर्मियों की शुरुआत हो गई है,
तो जी हाँ ऐसा ही होता है। किचन में पहले अक्षत आद्या को कुछ खिला पिला देते हैं, तो दूध बॉयल किया हुआ है तो आद्या की बॉटल में दूध भर लेते हैं और अक्षत को दे देते हैं पीने के लिए, तो वो पी लेगा। और देख सकते हो किचन में हमारी धूप कितनी तेज आ रही है, मतलब जो है सूर्य देवता पीछे के साइड चले आए हैं इस टाइम पर, और पूरी धूप ना किचन में आती है। और थैंक गॉड इस टाइम पर किचन में कोई काम नहीं करना होता है, मतलब ये दोपहर का टाइम है तो खाना पीना हो ही चुका है लंच वाला, और रात में डिनर जब बनाने आती हूँ तब धूप जा ही चुकी रहती है, वरना इस टाइम पर तो पूरी धूप ना फेस पर ही पड़ रही है देख सकते हो आप। तो बस मैं इनके लिए दूध यहाँ पर ठंडा कर रही हूँ, उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाई हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं भी पी लेती हूँ। और टीवी पर अक्षत देख रहे हैं कार्टून, और इनके साथ मैंने भी ज्वाइन कर लिया है, मैं भी बैठ करके कार्टून देखने लगी हूँ। और होता नहीं है बच्चों के साथ साथ ना जो चीज़ें बच्चों को पसंद होती हैं वही चीज़ें हम भी करने लगते हैं, तो कुछ वैसा ही हो रहा है यहाँ पर, मैं भी कार्टून की आदि होती जा रही हूँ। और बस आद्या सो करके उठ गई है तो मैंने इसके हेयर वॉश किए हुए थे, तो मैं इसके बालों में तेल लगा रही हूँ क्योंकि इसके बाल बहुत ज़्यादा घने हैं और अभी मुंडन नहीं हुआ है तो और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती है, परेशान हो रही, बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो इसलिए तेल लगा करके मैं इसकी चोटी बना दूंगी। और ये चोटी बिल्कुल नहीं बनवाती है, पूरे टाइम अपनी चोटी खोलती रहती है, बट बनाना तो है ही है। और यहाँ पर देख सकते हो कैसे ये कॉम कराने में कितना ज़्यादा परेशान कर रही है, और बाल सच में बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। और अभी मैं इसको एकदम तैयार कर रही हूँ, रानी बिटिया बना रही हूँ, फिर इसको लेकर के जाऊँगी मार्केट। अभी हम घर से निकल लिए हैं, ये रास्ते का व्यू है और देखने में अभी धूप बहुत तेज है, टाइम हो रहा होगा 3:30 से 4 के बीच का, लेकिन अभी तुरंत के तुरंत शाम हो जाएगी, 1 घंटे के अंदर ऐसा लगेगा कि बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, वापस चलो। तो निकल लिए हैं घर से, और बहुत ही खास दिन आने वाला है, बहुत ही स्पेशल डे आने वाला है, तो बस उसी की तैयारी शुरू कर दी है हमने, थोड़ी थोड़ी करके करेंगे। और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा देर तक मैं मार्केट में रह भी नहीं सकती हूँ, जो कुछ ले पाऊँगी बस ले करके तुरंत वापस आना है। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर सीवी मॉल आए हुए हैं, तो यहाँ पर ये लोग आराम से थोड़ी देर खेल भी लेंगे, और मुझे अगर कुछ परचेजिंग करनी होगी तो मैं वो भी ले लूँगी, थोड़ा बहुत सामान ले लूँगी। तो देख सकते हो आद्या मेरे साथ सीढ़ी चढ़ रही है, और अब हम लोग घर के लिए निकल लिए हैं यहाँ से। तो अभी मुझे पूजा का सामान लेना है, तो हम आ गए हैं पूजा वाली शॉप में, तो यहाँ पर नारियल चुनरी और ये सब चीज़ें लेनी हैं, तो मैं भैया से बोल रही हूँ कि ये सब पूजा का सामान जो जो पूजा में लगता है निकाल दीजिए, तो देख सकते हो। और बस अब हम लोग आ गए हैं ग्रॉसरी शॉप में, तो यहाँ पर हम किचन के लिए कुछ जो चीज़ें नहीं हैं वो मैं लेने आई हुई हूँ, तो भैया को बताती जा रही हूँ, तो वो निकालते जा रहे हैं, और बस इसके बाद सीधा घर ही जाना है, आद्या भी परेशान हो गई है, तो चलो अभी हम आपको मिलते हैं सीधे घर में। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर, और मैंने की है थोड़ी सी शॉपिंग, लेकिन अभी आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी, बाद में फिर कभी शेयर कर दूँगी। और बाल देखो जितना मैं बना रही हूँ उतना ही बिगड़ जा रहा है, तो चलो अभी वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन, एंड मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग गाइस आद्या।